करना था, खाने पीने का इंतज़ाम बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा ट्रेवल्स है। आपको सर्विस कैसी मिली? बहुत अच्छी मिली। हाँ, पूरा पूरा कर। होटल कितनी करीब थी? बिल्कुल करीब, मदीने में वॉकेबल डिस्टेंस, बिल्कुल करीब थी। दो भी होटल करीब में मिले। ट्रेवल्स का कैसा था इंतजाम? हाँ, बहुत अच्छा था। हाँ, फूड और लोगों को हम लोग बोलेंगे भैया इसके थ्रू ही जाइए, बहुत अच्छी सर्विस है, आके आजमाइए जी। किसी किस्म की तकलीफ ना गई खाने की? ये मुजैना ट्रैवल्स है, बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा अकबर साहब का हमारे, वाकई काबिल तारीफ है। इतना तारीफ करे उतना कम है समझो इनके लिए। खाने की सहूलत है आपको, जहाँ पे और मुकदस मकाम जो है ना लेके गए हैं उसकी भी ज़ियारत कराए, बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा। हाँ हाँ, बहुत सिंसियर है। आजकल लोग पैसे ले रहे, लूट रहे। हाँ हाँ, नहीं वो तो अब उन्होंने लूट रहे थे, हम क्या कर सकते छोड़ देते, लेकिन जो है नहीं लूटना चाहिए। मुकदस मकाम के लिए जा रहे हैं बोल के बोले तो ये बात तो नहीं होना चाहिए कहीं इंतजाम। बिल्कुल मुतमईन है, 100% ज़्यादा मुतमईन है, जा सकते हैं। अल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान व करम हुआ, अल्लाह पाक ने हम सबका उम्रा जो है ना बआसानी के साथ सहूलतों के साथ अता फरमाए। और जिस मुजैना टूर एंड ट्रैवल से जो हम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस बड़ी अच्छी रही और हर चीज़ का जितना उन्होंने वादा किए थे उससे थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना हमारे साथ उनका रवैया हुआ है, इसीलिए। और धोखे वाली तो बात नहीं है, खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हैदराबाद का खाना जो वादा किए थे उसी एतबार से हमको जो है ना खाना भी मिला। और होटलें बिल्कुल करीब, यानी वॉकेबल डिस्टेंस 500 मीटर 400 मीटर पे। और हरम के अंदर तो ऐसा था कि होटल से निकलने के बाद, और मक्के के अंदर मदीने के अंदर भी ऐसी, मदीने मुनव्वरा के अंदर भी ऐसी था, बिल्कुल होटल से बाहर निकलते चंद कदमों पे जो है ना बिल्कुल करीब होटल। हम देखते रहे कि लोग दूर दूर से, यानी पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, बहरहाल दिगर ममालिक के लोग आए, लेकिन उनके होटलें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, प्राइस भी इतना ही था, बाज़ वक़्त इससे ज़्यादा भी था, लेकिन कुछ कम पैसे दे के कुछ आए कुछ ट्रैवल की तरफ से। तो उन लोगों का जो है ना कहना था कि भाई कोई हमारे को पूछने वाले नहीं है, ऐसे 3-4 ग्रुप्स हमको मिले और नमाज के अंदर भी हमारे साथ भी जो है ना वो लोग बात करते रहे कि भाई हम आज दिन सुबह से शाम तक का खाना नहीं मिला और हम जो पैसे लाए थे कुछ खरीदो फरोख्त के लिए वो हमारे खाने में लग गए। कुछ लालच दे के कम पैसों में हम हज उम्रा कराते हैं कहकर जो है ना वो लोग पैसे लिए, लेकिन उसके बाद छोड़ दिए। अब उसमें बहुत से हज़ारों लोग परेशान थे और 3-4 ट्रैवल्स के नाम उनके ब्यागा वगैरह देखे बताए, ये कोई सुनी हुई बात नहीं है। बिलमुशाफा उनसे हमारी जो बात हुई, मुलाकातें नमाज के अंदर खाली वक़्त भी हुई, वो तमाम चीज़ें देखते रहे कि हम जो भी अल्लाह के घर को जा रहे हैं अपनी इबादत अदा करने के लिए, कम पैसों के लालच में आके जो ना अपनी इबादत भी ख़राब, क्योंकि वहाँ पर खाना भी नहीं मिल रहा, सहूलतें नहीं, होटलें दूर है, तो आदमी जिस मकसद के लिए जाता है वो मकसद फौत हो जाता है। अब उसके अंदर वही टेंशन आदमी को रहता है कि भाई खाना कहाँ पर खाएं, और खाना वहाँ पर बहुत महंगा, फिर वो अरब का खाना हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों को तो थोड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान वालों को तो थोड़ा जमेगा लेकिन हिंदुस्तान वालों के लिए तो मुश्किल है, वो खाना नहीं खा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जिस ट्रैवल से हमने सफ़र किया है उस ट्रैवल के अंदर जो है ना पूरा हैदराबादी खाना। अब बात इसकी है, जैसा कि हम दावतों में जो है ना जैसा पाया खाते हैं उससे अच्छा कई मरतबा मक्के के अंदर भी मदीने के अंदर भी बिरयानी का नज़्म और मुस्तकिल मीठे का नज़्म रहा। भाई ऐसा महसूस होता है कि भाई हम क्या मक्के और मदीने के अंदर क्या दावत के लिए आए हैं या तो हमारी ज़ियाफ़त हो रही क्या। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी कोशिशों फ़िक्रों के साथ मुजैना ट्रैवल्स के सैयद अकबर साहब जो है ना और वो भी साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन लोगों को कुछ नहीं मालूम है उन लोगों को भी गाइड करते रहे। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ है, मैं बालनगर IDPL दिलखुशनगर में रहता हूँ, वहाँ पर इमामत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुजैना ट्रैवल से हमारा जाना हुआ उमरे के लिए, 15 दिन का पैकेज था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बखूबी अकबर भाई और उनकी टीम ने बहुत ही खूबी से ये चीज़ को अमल में लाए हैं और जो लोग जो वादे किए थे उन वादों को पूरा निभाए। अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतज़ाम बहुत ही बेहतर था,
اور لے جانے کے انتظامات اور دیگر زیارتوں کی سہولتیں اور دیگر اور بھی سہولتیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے پیش کی ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مزینہ ٹراویلز کو خوب ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اکبر بھائی اور ان کے ٹیم کے اندر اتحاد پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللطیف ہے، مزینہ ٹورس اینڈ ٹریولس ماشاءاللہ بہت بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ بولنا یہ ہے کہ جو باقی ٹریول جو دھوکہ دے رہے ہیں اس پہ جا کے وہاں پہ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ بہت قریب ہے ماشاءاللہ، بہت بہت الحمدللہ سہولتیں، کھانا پینا رہنا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ کیسی سہولت تھی؟ سہولت بہت اچھی تھی، بہت اچھی، قریب میں رکھے تھے؟ ہاں بہت قریب تھا، بالکل قریب تھا۔ وہ جو وعدہ کرے تھے آپ سے؟ ہاں پورے وعدے پورے ہوئے الحمدللہ، الحمدللہ۔ جو بولے تھے آپ کو برابر؟ جی 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 سب اچھا ہوا الحمدللہ۔ جیسے دوسرے ٹریولس والے جو بول رہے وہاں پر ایک بات کر کے؟ نہیں وہ تھا، ڈاؤٹ تھا میرے کو بھی، بس نہیں ہوا، الحمدللہ بہت اچھا ہوا جی۔ اور لوگوں کیا بولیں گے آپ؟ بس ایک بار ٹرائی کر کے دیکھنا مزینہ سے کہ کیا ہے، معلوم ہو جاتا لوگوں کو، تو بار بار دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دے سکتے ہیں، اچھا ہے۔ رحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید اکبر عالم، مزینہ ٹورس اینڈ ٹریولس کا اونر ہوں میں۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے پیکیجز ایک بار مارکیٹ میں جو بھی پیکیجز ہیں اس کو کمپیئر کر کے میرے ساتھ انشاءاللہ عمرے کو چلیے۔ ہوٹل بھی میرے مکے میں قریب ہے اور مدینے میں بھی ہوٹل میرے بالکل قریب ہے، حیدرآباد یہ تام، اور آپ کو پورے زیارت مکے اور مدینہ کے میرے ساتھ انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں وہاں پر، اور کم سے کم ریٹ میں الحمدللہ قریب کے پیکیجز ہیں میرے، بالکل مکے میں بھی ہوٹل بالکل 250 میٹرز کے اندر ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ، اور مدینہ میں گیٹ نمبر 6 کے پاس ہوٹلس ہیں میرے، کھانا پورا حیدرآبادی ہے۔ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مزینہ ٹورس اینڈ ٹریولس کے ساتھ جڑیے اور صحیح عمرے کا پیکیج اس کا استفادہ اس حاصل کریے۔ آپ کی ٹریولس کا نام؟ مزینہ ٹورس اینڈ ٹریولس۔ کہاں پر ایڈریس بتا؟ مزینہ ٹورس اینڈ ٹریولس، نیلوفر ہاسپٹل روڈ، بیسائڈ دینا بینک، بازار گڑھ۔